नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योति। आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ बड़ी खबरों पर। नेताओं की खींचतान शुरू, दुष्यंत कुलदीप बिश्नोई और जेपी में हुई भिड़। हरियाणा में लोकसभा चुनाव का माहौल गर्माने के साथ ही नेताओं की आपसी खींचतान और भिड़न तेज हो गई है। राजस्थान में सटी बांगर बेल्ट के प्रमुख संसदीय क्षेत्र हिसार में तीन प्रमुख नेता आमने सामने हो गए। यहाँ सांसद निधि के खर्च को लेकर बवाल मच गया है। इन सांसदों में पूर्व सीएम भजन लाल, उनके बेटे कुलदीप बिश्नोई और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश जेपी। दो दिन में पूरा हरियाणा नापेंगे अमित शाह, करेंगे 6 रैलियां। लोकसभा के चुनावी सफर में सबसे पहले प्रत्याशी घोषित कर प्रचार अभियान में शुरुआती बढ़त लेने वाले भाजपा ने अब दिग्गजों के दौरे तय करने शुरू कर दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे फाइनल करने के बाद अब भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के कार्यक्रमों का शेड्यूल तैयार हो गया है। अमित शाह 5 और 10 मई को दो दिन के दौरे में ताबड़तोड़ रैलियां कर एक तरह से पूरा हरियाणा नापेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद पंजाब की राजनीति में बदलाव के आसार, आम आदमी पार्टी को लग सकता है बड़ा झटका। दो दिनों के भीतर आम आदमी पार्टी को दो तगड़े झटके लगे हैं। मानसा के विधायक नाजर सिंह मानशाइया आप छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, जबकि चेतो से विधायक मास्टर बलदेव पार्टी से बगावत करके पीडीएम से चुनाव मैदान में कूद पड़े हैं। पार्टी के सिंबल से बाहर जाकर चुनाव लड़ना दल बदल कानून के तहत आता है। ऐसे में चुनाव लड़ने वाला नेता पार्टी का सदस्य नहीं माना जाता है। 5 साल में हर सिमरत की प्रॉपर्टी हुई दुगनी, व सुखवीर बने कर्जदार। विभिन्न पार्टियों के कदावर नेताओं ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं, इससे उनकी संपत्तियों का ब्यौरा भी सामने आया है। प्रत्याशियों के द्वारा दी गई अपनी चल अचल संपत्ति की जानकारी से पता चलता है कि ज्यादातर उम्मीदवारों की संपत्ति में खासी बढ़ोतरी हुई है। केंद्रीय मंत्री व बठिंडा से शिरोमणि अकाली दल प्रत्याशी हरसिमरत कौर बादल की चल संपत्ति दुगनी हो गई है। दूसरी ओर उनके पति व शीयत प्रधान सुखबीर सिंह बादल की प्रॉपर्टी बड़ी है, लेकिन उन पर कर्ज भी बढ़ गया है। हरियाणा के चुनावी रण में 223 उम्मीदवार सोनीपत में किस्मत आजमाने वाले ज्यादा करनाल में कम। हरियाणा के चुनावी रण में पिछले लोकसभा चुनाव के अपेक्षा इस बार 7 उम्मीदवार कम है। नामांकन वापसी के बाद अब 223 उम्मीदवार चुनाव मैदान में रह गए हैं। वर्ष 2014 में 230 उम्मीदवार थे। नामांकन वापसी के आखिरी दिन 6 लोकसभा सीटों पर 10 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र वापस लिए। प्रमोशन को लेकर सड़कों पर उतरे पीयू के नॉन फैकल्टी कर्मचारी, रोस्टर सिस्टम का किया विरोध। पंजाब यूनिवर्सिटी के नॉन फैकल्टी जनरल कैटेगरी के कर्मचारी प्रमोशन की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। शुक्रवार को पहले कर्मचारियों ने रजिस्ट्रार ऑफिस के बाहर धरना दिया, उसके बाद वाइस चांसलर ऑफिस पर पहुंचकर कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए धरना शुरू कर दिया। कर्मचारी का आरोप है कि वाइस चांसलर MHRD के निर्देशों को अनदेखा करके SC/ST कैटेगरी की नॉन फैकल्टी को रोस्टर सिस्टम के जरिए प्रमोशन देने की तैयारी कर रहे हैं। पवन कुमार बंसल आज चंडीगढ़ ठहलो माचरा दीप कॉम्प्लेक्स में व्यापारियों से मिले और उनकी परेशानियां सुनी और बीजेपी सरकार के झूठे वादों की टिप्पणी भी की। आपको बता दें 26 अप्रैल को पवन कुमार बंसल ने लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरा और उसी की तैयारी में डोर टू डोर जनता से भी मिली। अगर आपकी कोई भी राय है तो आप हमारे साथ जरूर शेयर करें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर। बाकी के अपडेट्स के लिए आप हमारे वेबसाइट www.arthprakash.com पर भी जा सकते हैं और हमारा एंड्रॉइड ऐप भी आ गया है, आप उसे भी इंस्टॉल कर सकते हैं अपने फ़ोन पर। और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।